हेलो, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल गणित ज्ञान पर। आप YouTube चैनल गणित ज्ञान देख रहे हैं और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स की। चैप्टर नंबर सिस्टम है अपने पास, एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। और इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे रूट के अंदर जो वैल्यू है 9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखिए, रूट के अंदर जो बेसिकली वैल्यूज है, जिसकी रूट 2, रूट 5, इनको हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब जो है डेसिमल वाली वैल्यूज को हम कैसे रूट के अंदर जो होती है उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब सीखेंगे। तो उसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहला काम हमारा जो होता है, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 9.3 जो है आपने रिप्रेजेंट करना है। तो 9.3 यूनिट ए से बी तक, 9.3 यूनिट आप स्केल से, चाहे 9.3 सेंटीमीटर हो सकता है, चाहे 9.3 इंच हो सकता है, या कोई भी यूनिट आप जो चूज करते हैं उसको ड्रॉ करेंगे। तो ए से बी ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ ए बी 9.3 यूनिट, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा। आगे जो स्टेप है वो क्या है, एक्सटेंड 1 यूनिट सो दैट बी सी इज इक्वल टू 1। ए बी था तो जो ए बी लाइन है इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, और 1 यूनिट जिस हिसाब से ये लिया है, अगर सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर लेंगे, इंच है तो इंच लेंगे, तो 1 यूनिट हम एक्सटेंड कर देंगे। एंड आफ्टर दैट अब क्या करेंगे, जो टोटल ए सी अपने पास बना है 9.3 प्लस 1 जो कि 10.3 बन गया, इसका हम हाफ करेंगे। चाहे तो हम लाइन सेगमेंट का जो बाइसेक्टर वाला मेथड है उसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर जनरली स्केल का यूज करके हम बाइसेक्ट कर लेंगे। तो बाइसेक्ट करेंगे तो ओ पॉइंट आएगा, ओ ए और ओ सी बराबर आएगा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर मान करके, अज्यूम ओ को सेंटर करेंगे और ओ ए और ओ सी ये बराबर है, इतना रेडियस लेकर के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, जो ये आप देख सकते हैं सेमी सर्कल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ से ये सेमी सर्कल बना है यहाँ पे सेंटर पर रख के। तो हमने नाउ ओ एज सेंटर एंड रेडियस एज ओ इक्वल टू ओ सी ड्रॉ सेमी सर्कल हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे, हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट पर, बी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री के एंगल, और ये उस सेमी सर्कल को डी पर कट करेगा। ठीक है जी, तो ये जो बी डी जो वैल्यू आएगा, बी डी का लेंथ आएगा, ये रूट के अंदर 9.3 आएगा। ठीक है जी, तो अपने पास बी डी 9.3 आ गई, ये ज्योमेट्रिकली तो बेसिकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, यहाँ पे ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट हो चुका है। अगर ये कहा जाए कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो टू शो ऑन द नंबर लाइन एक्सटेंड ए सी, जो ये ए सी है इसको हम एक्सटेंड करेंगे, ए से सी तक था, इसको हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे, आपने देख लिया, कर दिया हमने एक्सटेंड। और अब बी, अज्यूम बी एज, लेट बी एज जीरो। देखिए, अब हम बी को मान लेते हैं जीरो, यहां पर देखिए इस बी को हम जीरो मान लेते हैं और सी हमने वन, क्यों, क्योंकि बी टू सी वन हमने डिस्टेंस लिया है, तो बी को हमने जीरो मान लिया और सी को हमने वन मान लिया, और ये तो ओ बी डी अपने पास क्या है 9.3 रूट के अंदर। तो बी डी के जितना कंपास ओपन करेंगे और बी को सेंटर मान के और बी डी जितना रेडियस लेके हम एक आर्क लगाया, ये आप देख सकते हैं आर्क लगाया जो कि एफ पर कट कर रहा है। तो ये जो एफ पॉइंट है, ये रूट स्क्वेयर रूट ऑफ 9.3, ये वैल्यू आ गया अपने पास स्क्वेयर रूट ऑफ 9.3 एफ पॉइंट आ गया अपने पास। ठीक है, हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर, रूट 9.3 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि ये जो ये रूट 9.3 ये कैसे बना, ये इसको क्लियर करके अगर बताना है तो मैं वो आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, देखना समझना मेरी बात को। हमने मान लिया कि ये जो वैल्यू है अपने पास, ये पूरा एक्स है, यहां से यहां तक ए बी को हमने बोल दिया एक्स, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बी सी हो जाएगा 1, इतना क्लियर है। अब देखना जी, ये जो ओ सी है, ओ सी क्या होगा, ओ सी हमने आधा किया था, एक्स प्लस 1 का आधा है, क्लियर है आपको ये बात, ओ सी क्या है, एक्स प्लस 1 का आधा है, इट मीन्स ओ ए भी यही है। ठीक है जी, इतना आपको समझ आ गया। अब ओ बी क्या है, जो ये ओ बी है, ये ओ बी क्या है, हमने ये ओ बी को देखना है। तो ओ बी जो अपने पास होगा, ओ बी क्या होगा, ए बी पूरा कितना है अपने पास, एक्स, ध्यान दीजिए मैंने ए बी को एक्स माना है, यहाँ पे ए बी को हमने एक्स माना है,
और बाकी सब कुछ सेम है। तो जो ओसी है, ओसी क्या होगा? ओसी होगा ये एक्स था एक्स प्लस वन का आधा होगा। मैं आपको ये क्लियर करवा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझना प्लीज इस बात को कि 9.3 कैसे आया। देखिए अब ओबी क्या होगा, ओबी होगा पूरे जो एक्स है, ओबी क्या होगा ये मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे एक्स में से, ये पूरा एक्स था, इसमें से ओए घट गया ना, तो एक्स में से ओए क्या था, ओए और ओसी तो बराबर है, मतलब एक्स प्लस वन अपॉन टू ये घट जाएगा। ठीक है जी, तो अब इसका हम एलसीएम लेकर आ गए, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2x माइनस एक्स माइनस वन आ जाएगा, और जो ओबी है ओबी अपने पास आ जाएगा, ओबी का वैल्यू अपने पास आ जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन टू। ठीक है जी, ओबी क्या आ गया अपने पास, एक्स माइनस वन अपॉन टू। ये मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ, अगर आपको किसी तरह की कंफ्यूजन हो रही है तो लेट मी एक्सप्लेन ऑन दिस साइड। देखिए मैं इधर भी बता देता हूँ आपको, आई होप आपको ये इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए ओबी, ओबी कितना हो गया, ओबी हो गया एक्स माइनस वन अपॉन टू। इतना क्लियर हुआ? ये कैसे हुआ, ए बी अपने पास एक्स था, ये प्लस वन किया तो ये एक्स प्लस वन बाई टू, तो ये वैल्यू आ गया, ओ सी कह लो चाहे ओ ए कह लो, एक्स प्लस वन बाई टू आ गया, और पूरे एक्स में से हमने एक्स प्लस वन बाई टू सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली एक्स माइनस वन बाई टू आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो बी ओ डी है इस ट्राइंगल को हम, ये राइट एंगल है, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं यहाँ पे। अब ओ डी क्या है, ओ डी और ओ सी, ओ डी ओ सी और ओ ए सब बराबर है, तो ओ डी अपने पास आ जाएगा वही एक्स प्लस वन बाई टू। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम जब इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, ओ डी का स्क्वेयर मतलब एक्स प्लस वन अपॉन टू का स्क्वेयर बराबर रहेगा बी डी का स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन टू का स्क्वेयर। ये देखिए आप समझिएगा इस बात को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स प्लस वन का स्क्वेयर अपॉन फोर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वेयर अपॉन फोर। अब एक्स प्लस वन का स्क्वेयर है और ये हम इधर करेंगे, बी डी स्क्वेयर बराबर रह जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वेयर अपॉन फोर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वेयर अपॉन फोर, फोर आ जाएगा एलसीएम। और यहाँ पर ये देखिए क्या रहेगा, इसको हम जब ओपन करेंगे तो ये क्या रहेगा, देखना एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस एक्स और ये माइनस एक्स स्क्वेयर, ये प्लस का एक्स स्क्वेयर आना था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये, और जो माइनस लेट सॉरी ये टू आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी ये टू एक्स आना चाहिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, एक मिनट ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके ही बता देता हूँ आपको। ए प्लस बी होल स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ये टू एक्स आ जाएगा जी। ऐसे ये माइनस में है तो माइनस का एक्स स्क्वेयर माइनस का वन और माइनस टू ए बी आना था, ये प्लस के ये हो जाएगा अपॉन फोर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर है, ये गड़बड़ हो गया, इसको इग्नोर करिए, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया, वन से वन कट गया, टू एक्स टू एक्स, ये आ जाएगा फोर एक्स अपॉन फोर, फोर से फोर कट गया, बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स आ गया, और बी डी क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा रूट एक्स, बी डी क्या आ जाएगा रूट एक्स, ये बी डी आ गया अपने पास रूट एक्स। तो ये जो बी डी था ये रूट एक्स आ गया, किस केस में आया, जब हमने ए बी को एक्स माना, जब ए बी को एक्स माना, देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, ए बी को एक्स माना उसके बाद हम रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन अपना क्या है रूट एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी को हमने एक्स माना, एक सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, ये पूरा एक्स प्लस वन हो गया, एक्स प्लस वन का आधा हो गया ओ सी। ठीक है जी, एक्स प्लस वन का आधा हो गया ओ सी और ओ ए भी जिसको कह सकते हैं। अब ये क्या आएगा, ये पूरे एक्स में से क्या घट जाएगा, एक्स प्लस वन बाई टू सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ओ बी अपने पास आ गया एक्स माइनस वन बाई टू, और ये ओ डी क्या था, ओ डी अपने पास यही एक्स प्लस वन बाई टू था। अब ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जब इसको हमने फाइनली कैलकुलेट किया तो अपने पास क्या आ गया, बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स, तो रूट एक्स आ गया, ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट हो गए हैं। अब इसको जीरो मान के और इसको वन मान के आगे बढ़ाएंगे, और हम बी को सेंटर मान के और बी डी जितना रेडियस लेके आगे जब एक्सटेंड करेंगे, इसको आर्क लगाएंगे, तो एफ पॉइंट जो है वो क्या आ जाएगा, रूट 9.3 या रूट एक्स, एक्स के हिसाब से रूट एक्स आ जाएगा, और वाट एवर द वैल्यू वी हैव दैट वी विल बी गेटिंग हियर। तो आई होप आपको समझ आया होगा, रूट एक्स, रूट एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, चाहे वो 7.9 हो, चाहे 4.3 हो, चाहे 2.7 हो,
रूट के अंदर की बात कर रहा हूँ, रूट 3.9 हो, रूट 4.3 हो, रूट 7.8 हो, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो इस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमने बात किया एक्सरसाइज 1.5 की क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि एक्सरसाइज 1.5 का है। तो अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब गणित ज्ञान चैनल को, गणित ज्ञान चैनल को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।